लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज दैट द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ ए मटेरियल हुज हिस्टेरेसिस लूप इज नैरो, व्हाई? सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। सो की कंसेप्ट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों? ट्रांसफार्मर एक आपका ऐसी डिवाइस होता है जो आपका एसी करंट पर बच्चों वर्क करता है। एसी करंट पर वर्क क्यों करता है? क्योंकि बच्चों एसी करंट आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है? तो ये बच्चों आपका आसानी से, ठीक है ना, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है, और उसमें पावर लॉस भी बच्चों ना हो। तो जो आपका नैरो बच्चों आपका लूप होता है, हिस्टेरेसिस लूप बच्चों ये होता है आपका नैरो लूप। जब मैं आई वर्सेज एच के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच के बीच, जितना ये नैरो होगा ना बच्चों, उतना ज़्यादा जितना एरिया कम होगा, एरिया लो, ठीक है ना, तो बच्चों पावर लॉस क्या होगा आपका? लो होगा। पावर लॉस क्या होगा आपका? लो होगा। तो यहाँ पर एरिया क्या है आपका? लो है, तो पावर लॉस भी क्या होगा आपका? लो होगा। और दूसरा क्या है बच्चों आपका इसमें क्या है कि ये जो आपका कोअर्सिविटी है वो भी क्या है बच्चों आपका? कम है, मतलब आसानी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो बच्चों क्या होगा इसमें? इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। तो ये बच्चों दो इसके बेनिफिट होते हैं, ठीक है ना, जिनका जिन मटेरियल्स का बच्चों हिस्टेरेसिस लूप नैरो होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।